के दौरान उसके पास एक कट्टा प्राप्त हुआ है। कट्टा लेकर घूमना एक युवक को महंगा पड़ गया और युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि रीवा शहर के पुलिस लाइन कॉलोनी के पास बीती रात्रि 10 बजे एक युवक के द्वारा कट्टा लेकर घूमा जा रहा था और इसी दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ स्टोनों को यह शक हुआ कि इस युवक के पास कुछ न कुछ संदिग्ध चीज है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ स्टोनों के द्वारा तत्काल युवक को पकड़ा गया और लेकर अमहिया थाने जाया गया, जहां पर अमहिया थाना प्रभारी के द्वारा युवक की तलाशी ली गई तो युवक के पास से कट्टा बरामद हुआ। वहीं अमहिया पुलिस के द्वारा युवक को बैठा लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल रात्रि में एक युवक को पूछताछ की गई, रोके, उसके पश्चात चेकिंग के दौरान उसके पास एक कट्टा प्राप्त हुआ है। अभी उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, साथ ही उससे सोर्स पता किया जा रहा है कि उसको ये कट्टा कहाँ से मिला। अगर आगे कुछ और चेन बनती है तो हमारा प्लान उसको भी आगे हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सर, जानकारी मिल रही है कि आपके लीडर ने हमारे ऑफिस में पदस्थ स्टेनो और उनके साथी ने इस दौरान जब भ्रमण कर रहे थे वो लाइन में, तो उस दौरान उनको एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा, उन लोगों ने अच्छा एक्शन लिया और उसको रोक के पूछताछ की और उस कारण से ये व्यक्ति पकड़ में आ पाया।